असलम लेक्चर नंबर थर्टी सेवन स्टार्ट करते हैं आज और आज का टॉपिक है जनाब सरफिस एरिया और बे बात वही है अभी तक जो अभी तक हम करते आएँ कि बेसिकली डेफिनेट इंटेग्रल्स की एप्लीकेशन्स और इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन इन टर्म्स ऑफ अप्लाइड प्रॉब्लम्स जो जिसमें बेसिकली मैंने पहले भी किसी एक लेक्चर में कहा था कि वो प्रॉब्लम्स जो काफ़ी बेसिक हैं रियल uh, लाइफ में यानी इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग एरियाज़ मे बी फाइंडिंग वॉलीम्स ऑफ जोमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स तो ये वो चीज़ें हैं जिसके बारे में अब हम इसके लेक्चर में भी मज़द बात करेंगे और बेसिक टॉपिक यही होगा कि एक सॉलिड का ज्योमेट्रिक सॉलिड आपके पास होगा उसका आपको सरफेस एरिया मालूम करना होगा तो इससे पहले के डिटेल्स में जाएँ थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये आ, क्या है एक ही एजेंडा है बेसिकली आज का इसको लिख के देख लेते हैं तो जनाब टॉपिक है आज का एरिया ऑफ सर, सर्फिस ऑफ रेवोल्यूशन और इसमें बस एक ही चीज़ जिसकी हम बात करेंगे वो है डेफिनेशन ऑफ सर्फिस एरिया तो ये छोटा सा एजेंडा था बे, बेसिकली आज के लेक्चर का तो लेकिन फिर वही बात मेरे एक दफ़ा पहले भी कुछ लेक्चर्स ऐसे ही थे जिसमें शुरू में जब हम एजेंडा देखते हैं तो बहुत छोटा सा होता है लेकिन ऑब्वियसली वो कहते हैं कि जी एक्सपीरियंस से हमें पता चलता है कि जितना छोटा एजेंडा होता है जितना छोटा टॉपिक होता है उतनी उसके अंदर डिटेल्स होती हैं तो मेरे ख्याल से आज का लेक्चर भी कुछ ऐसा ही होगा कि बातचीत इसमें काफ़ी डिटेल्स में होगी आ, बहुत ज़्यादा नहीं और ऑबियसली कोई ऐसी डिटेल बात नहीं करेंगे हम डिटेल जिसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा नया टॉपिक होगा वही बेसिक कॉन्सेप्ट हैं अभी तक जिसकी हम बात करते हैं कि एरियाज मालूम करने सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के थ्री डिमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के वॉल्यूम्स हम मालूम कर चुके हैं पिछले कुछ लेक्चर्स में बल्कि कुछ लोगों ने उसके बारे में काफ़ी ईमेल्स वगैरह भी भेजी हैं तो मेरे ख्याल से लोगों ने अप्रिशिएट किया है उस आ, उस हिस्से को कैलकुलस के जो डील करता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन या डेफिनेट इंटेग्रल टू फाइंडिंग वॉल्यूम्स एंड वॉल्यूम्स ऑफ थ्री डमेंशनल सॉलिड्स तो ये जहाँ हमने थ्री डमेंशनल सॉलिड्स का वॉल्यूम जब मालूम करना शुरू किया था तो अब तक मेरे ख्याल से थोड़ा सा एक मैं थोड़ा सा एक रिव्यू करना चाहूँगा कैजुअली सब कोई ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करते लेकिन ये है कि ये सारी बातचीत शुरू कहाँ से हुई थी यानी हमने कैलकुलस तो अब तक पढ़ ही लिया है काफ़ी पूरा तकरीबन कोर्स ख़त्म होने ही वाला है थोड़े दिन में आ, लेकिन यह है कि इसमें सबसे पहले तो हमने डिफरेंशियल कैलकुलस की बात की थी ठीक है उसके अंदर बड़े मज़ेदार बातें की कुछ आ, कुछ बेसिक एक प्रॉब्लम थी टेंजेंट लाइन की ए, स्लोप मालूम करने की जिसके ज़रिए फिर हमने देखा कि ड्रिविटिव एक फंक्शन का कैसे डिफ़ाइन किया जाता है और उसके हवाले से फिर हमने मैक्सिमम मिनिमम प्रॉब्लम्स और उनकी सब की ये जो डिवेटिव का कॉन्सेप्ट था इसकी एप्लीकेशंस रियल लाइफ में देखी अप्लाई किया और देखा कि जी वाकई एक बहुत ही पावरफुल टूल है ये जो डिफरेंशियल कैलकुलस था जिसके हमने जिसके अंदर हमने सिर्फ डिरेवेटिवस और डिफरेंशल्स की या डिफरेंशल कैलकुलस की बात की थी तो इसकी एप्लीकेशन भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी और काफ़ी पावरफुल थी Uh, इसमें जो ख़ास तौर पर सबसे पावरफुल जो फैक्ट था जो सेक्शन uh, था जो हमने कवर uh, किया था वो था कि जिसमें हमने देखी अप्लाइड मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रॉब्लम्स तो मेरे ख़्याल से उससे ज़्यादा बेहतर बहुत से बहतर, आ, लोग सवाल पूछते हैं कि जी मैथ की क्या एप्लीकेशन होती है तो कैलकुलस भी चूँकि मैथ मैथमेटिक्स का ही हिस्सा है तो हमने देखा कि कितनी ज़बरदस्त एप्लीकेशन है इसकी और रियल लाइफ में यानी कितनी प्रैक्टिकल इश्यूज़ हैं जो ये इश्यूज़ हैं और क्वेश्चन हैं जिनको ये कैलकुलस जो है ये मैथमेटिक्स जो है इनको डील करती है और इन क्वेश्चन के आंसर देती है तो ये तो फिर हमने जब डिवेटिवस की बात कर ली और डिफेंशल कैलकुलस की कि जी उसमें भी बड़ी एप्लीकेशनस थी इंटरेस्टिंग स्टफ़ डेफिनेटली फिर हमने इंटेग्रल कैलकुलस के बारे में बातचीत शुरू की थी कोई मेरे ख्याल से ट्वेंटी फिफ्थ लेक्चर के बाद या ऐसी रफली तो वहाँ पे एक टोटली डिफरेंट टाइप का हमने एक तरह से कहते हैं थिंकिंग में हमने अपना एक थाट uh, गियर जो होता है यानी गाड़ी में जैसे हम गियर शिफ्ट करते हैं चेंज करते हैं तो जाहिर है स्पीड बढ़ जाती है गाड़ी की uh, उसी तरह से हमने एक गियर शिफ्ट किया अपनी थिंकिंग में और हमारी थिंकिंग की कैपेसिटी अब थोड़ी सी बेहतर हो गई होगी एनालिटिकल थिंकिंग मैथमेटिकल थिंकिंग की और वो जब हुआ जब, हुआ जब हमने इंटैग्रल uh, कैलकुलस की बातचीत शुरू की थी तो इंटैगरल कैलकुलस क्या था बेसिकली जस्ट uh, इंटीग्रेशन uh, सबसे पहले तो हमने डिफ़ाइन किया कि इंटेग्रल होता क्या है और शुरू में छूटते ही हमने ये देखा था कि जी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ों की रेजोल्यूशन uh, इससे मिलती है कुछ सवाल की ये जो इंटेग्रल का कॉन्सेप्ट है या इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट जो है इससे तो उसमें हमने ये देखा था कि कैसे न्यूटन और लिबनिट्स जो थे दो बहुत मशहूर मैथमेटिशियंस जिनकी हम काफ़ी बात बातचीत कर चुके हैं तो उन्होंने कैसे रिजॉल्व किया एक एरिया एरिया प्रॉब्लम जो थी उसको कि अगर आपके पास एक ग्राफ है उसके एक उसके नीचे और जो एरिया है कन्फाइंड बाय द एक्स एक्सेस उसको हम कैसे मालूम कर सकते हैं और वो आमतौर पर वही बात थी कि सिंपल शेप्स जो होती हैं जैसे स्क्वायर है स्क्वायर का एरिया मालूम करना बड़ा आसान है स्क्वायर के अंदर जो एरिया होता है ईज़ली बड़े आराम से हम मालूम कर सकते हैं सिंपल सा एक फार्मूला होता है और हज़ारों साल से हमें पता है कि जी वो फार्मूला क्या है बहुत ही सिंपल एनालिसिस से हम मालूम कर सकते हैं लेकिन ये सवाल था कि जी अगर कॉम्प्लिकेटेड रीजन हो हमने देखी थी एग्ज़ाम्पल्स बड़े कॉम्प्लिकेटेड रीजन से जिसमें आपका ग्राफ था एक किसी एक फंक्शन का और उसके नीचे फिर हमने देखना था कि जो ग्राफ के नीचे एरिया है रीजन जो है उसका एरिया कैसे मालूम कर सकेंगे तो वो फिर हमने डेवलप की थी थ्योरी सारी और मेरे ख़्याल से वहाँ उसी लेक्चर से जब जो पहला हमने इंटीग्रेशन की जहाँ से बात शुरू की थी मेरे ख़्याल से कुछ लोगों को होपफुली uh, समझ आ गया होगा कि सारी जो अब जो अब हम देख चुके हैं जाहिर है जिसे कहते हैं कि अब रेट्रोस्पेक्ट में अगर आप पीछे देखें uh, पिछले लेक्चर्स में तो ज़ाहिर है चीज़ें और ज़्यादा आसानी से अब क्लियर हो जाएंगी हमेशा यही होता है अनफॉर्चुनेटली मैं जब खुद स्टूडेंट था तो यही होता था कि जी एक क्लास कर ली फिनिश हो गई जब नेक्स्ट क्लास में उससे आगे वाले लेक्चर में उसमें हम बैठे होते थे सेक्शन uh, में या कोर्स में तो बातें समझ आती थी कि जी पिछले जो कोर्स में बातें हुई थी उनका क्या मकसद था वो थी क्या तो ये एक प्रोसेस है होपफुली आपके साथ ऐसा ना ना हो रहा होगा लेकिन अगर हो रहा है तो घबराने की कोई बात नहीं है इसमें दिस इज़ समथिंग दैट हैपन्स नेचुरली ये एक इंसानियत का हिस्सा है कम अज़ कम बहुत सारे इंसानों का हिस्सा है मेरा तो ऐसा ही था कि जी आ, इसमें कैलकुलस की क्लास में जब इंटीग्रेशन हमने पढ़ ली तो पता चला कि ये डिफरेंशियल कैलकुलस क्या होता है तो ऐसे होता रहता है लेकिन कहने का मकसद ये है कि अब अगर हम रेट्रोस्पेक्ट में देखें अभी तक जो बात की है अभी हमने बल्कि मजीद करेंगे इसी के बारे में थोड़ी सी और बातचीत तो उसमें यही जाहिर होता है कि ये जो इंटैग्रल कैलकुलस है फिलोसॉफिकली वेरी इंटरेस्टिंग कि ये एक और उसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज़ाहिर है एक फ़िलासफ़ी है इसके पीछे एक प्रॉब्लम है रियल लाइफ की कि आप एरिया कैसे मालूम कर सकते हैं किसी एक ऐसे रीजन का जो एक ज्योमेट्रिक जो हमारे स्टैंडर्ड ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स हैं या फिगर्स हैं उनसे मिलता जुलता नहीं है यानी कोई इरेगुलर सी शेप हो तो कैसे मालूम करते हैं तो उसमें आ, कितना इंटरेस्टिंग बात थी कि हमने आ, उसी रीजन को सिंपलर रीजन में सब डिवाइड करके फिर हमने अपनी एनालिसिस उस पर लगाई लिमिट्स की जो हमने सीखी थी डिफरेंशियल कैलकुलस में और फिर हमने देखा कि जी आ, ये सब इस सवाल का जवाब एग्जैक्टली exactly हम कैसे मालूम कर सकते हैं थ्रू इंटीग्रेशन और उसके बाद फिर हमने डेफिनेट इंटैगरल को इंट्रोड्यूस किया था कि वो क्या चीज़ होती है और वो इन टर्म्स ऑफ एरिया फाइंडिंग द एरिया वॉट डज डेफरेंट इन स्टैंड फॉर और फिर उसी के बाद जो ज़्यादा इंट्रस्टिंग बातचीत हुई थी वो यही थी कि एरिया से जब हम एक हायर डायमेंशन में गए यानी हमने अब कहा कि जी अब हम एरिया हम पहले मालूम कर रहे थे ऑफ टू डिमेंशनल ऑब्जेक्ट्स फ्लैट ऑब्जेक्ट्स थे अब हमने कहा कि जी हम थर्ड uh, डिमेंशन में जाना चाहते हैं सॉलिड्स जिन्हें कहते हैं जियोमेट्रिक uh, सॉलिड्स तो पता ही हैं किूब हो गया um, ट्राइ एक पिरामिड हो गया जो ट्राइंगल की एक तरह की प्रोजेक्शन होती है थर्ड डिमेंशन में तो इनके वॉल्यूम्स कैसे मालूम किए जा सकते हैं तो ये हमने देखे डिटेल में बातचीत की इनकी पिछले तीन चार लेक्चर्स में कि एक टू डमेंशनल फिगर को लेके अगर हम रोटेट करते हैं तो हमारे पास क्या सॉलिड कौन सा बनता है क्योंकि सॉलिड इसलिए बनता है कि वो एक यहाँ पर भी एक इमेजिनेटिव थिंकिंग थी क्रिएटिव थिंकिंग वाली बात अगर आप सोचें कि जो पहले मैथमेटिशियंस होंगे जिन्होंने इसके बारे में इस तरह सोचा कितना क्रेडिट उनको देना चाहिए कि आपके पास एक फ्लैट टू डिमेंशनल ऑब्जेक्ट है उसको उठा के आप थर्ड में ले आए डायमेंशन में और फिर रोटेट ऐसे करेंगे तो दैट टू डिमेंशनल रीजन विल ट्रेस आउट अ सॉलिड या तो वो एक्स एक्सिस के पास आसपास हमने घुमाया उसे या फिर हमने वाई एक्सिस के आसपास भी घुमाया था तो इन बोथ केसेस वी गॉट सॉलिड्स दैट वर जनरेटेड थ्री डिमेंशनल सॉलिड्स दैट वर जनरेटेड बाय टू डिमेंशनल फिगर्स ये थोड़ा सा प्रीव्यू था तो इसमें ये है कि अब हम नेक्स्ट लेक्चर में भी इसी के बारे में बात करेंगे कि अब हम इसमें देखेंगे कि जी कैसे सरफेस एरिया को के बारे में बात करेंगे सरफेस एरिया क्या होता है अभी बात करते हैं थोड़ी देर में लेकिन इससे पहले कि स्टार्ट करें कुछ थोड़ी सी डिवर्जन मेरे ख्याल से इंटरेस्टिंग बातें कर लेते हैं कुछ जो मैथमेटिक्स के हवाले से हैं लेकिन वो ऐसी बातें जो ऑफ कोर्स इस कोर्स में एज सच हम डिटेल में तो डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि दे आर एक्चुअली फ्राम ए हायर लेवल यानी हायर लेवल से मुराद ये है कि अगर इन बातों को आप मैथेमेटिकली सॉल्व करना चाहेंगे या इनको डिस्कस करेंगे तो दे वुड बी वे बी ऑन द स्कोप ऑफ दिस होल कोर्स लेकिन यह है कि रफली स्पीकिंग हम इनके बारे में थोड़ी सी बातचीत तो कर सकते हैं कि थोड़ी सी इंट्रोडक्शन आपको मिल जाएगी और मेरा मकसद इन बातों को करने का यह है कि आ, कुछ दिन पहले बल्कि मैं अपने स्टूडेंट से आ, बात कर रहा था तो उनके साथ ये डिस्कशन नेचुरली कुछ आई uh, राइस की तो उसमें मैंने देखा कि बड़ी अच्छी डिस्कशन रही हमारी तो मेरे ख्याल हाँ से आपको भी अगर मैं ये थोड़ा सा इसके बारे में हम बात कर लें तो यू विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो और थोड़ी सी कहना चाहिए कि डिवर्जन हो जाएगी ठीक है ये तो कर ही लेंगे अभी थोड़ी देर में हम जो आ, जो जो होता है इनटिग्रिटी ऑफ दिस यू नो कैलकुलस दैट यू विन डूइंग सो फार एनी लेकिन थोड़ी सी अगर डिस्ट्रैक्शन हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है मेरे ख्याल हाँ से तो ये क्या चीज़ है जिसके बारे में बात करनी है ये बेसिकली जो डिस्कशन मैंने अभी थोड़े दिन पहले मेरे स्टूडेंट्स के साथ हो रही थी इस्लाम में वो कुछ बेसिकली उससे रिलेट थी उस टॉपिक से जो कुछ दिन पहले मेरे ख्याल से जब हम कर रहे थे अपना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस गिबन या मेरे ख्याल से मीन वैली थ्योरम कर रहे थे तो उसमें हमने मैंने शायद एक जिक्र किया था एक फ़ंक्शन का टपोलॉजी एक फील्ड है मैथमेटिक्स की उसमें एक थ्योरम है फंक्शंस के हवाले से तो उस के बारे में मैंने कहा था कि वो थ्योरम बेसिकली ये कहता है कि जी अगर आपके पास एक स्फीयर है और स्फीयर से मुराद एक मतलब गेंद कह लें बॉल ठीक है तो उसके ऊपर ये थ्योरम कहता है कि जी अगर आप एक फंक्शन कंटिन्यूस डिफ़ाइन करते हैं तो अंडर अप्रोप्रियट जाहिर है ये रफली मैं बता रहा हूँ इसमें कोई वी वोंट गैरन टू ऑल द गुड डिटेल्स ऑफ कोर्स मैथमेटिकल डिटेल्स काफ़ी इंट्रिकेट सी होंगी लेकिन रफली इसका ये है खुलासा के जी और वो खुलासा बड़ा इंटरेस्टिंग है इसलिए इसकी बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास एक गेंद है बॉल है स्फीयर तो उसके ऊपर को एक खास किस्म का कंटीन्यूस फंक्शन अगर डिफ़ाइन करते हैं तो ये गारंटीड प्रॉपर्टी होती है इस स्फर की कि उस पर एक फंक्शन अंडर सर्ट प्रॉपर कंडीशन गारंटी करता है कि स्फीयर पर दो अपोज़िट पॉइंट्स ऐसे होंगे जहाँ पर आ, उस फंक्शन की वैल्यू बराबर की होगी तो यानी अगर मेरे पास एक ऐसे गेंद होती बॉल तो मिसाल के तौर तो पे ये गेंद है तो इस पर मैं एक पॉइंट अगर यहाँ ढूंढ लूँ तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट से मुराद ये है कि आप स्फीयर के थ्रू अगर कट अक्रॉस करें तो थर्ड जो ऑपोजिट पॉइंट आएगा इन्हें टेक्निकली कहते हैं एंटी पोर्डल पॉइंट्स यानी एंटी पोर्डल से मतलब ये है कि एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं आपके स्फीयर पे तो यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू बराबर होगी तो खैर ये तो हो गया रफली के थीरम कहता क्या है तो अब आप सोच रहे होंगे कि जी ये क्या बात हुई कि ठीक है सो so वॉट यानी तो बात होगी न इसमें तो कोई इंटरेस्टिंग बात नहीं है कि ठीक है एक एक स्फीयर है एक बॉल है उसके ऊपर आपने फंक्शन डिफाइन किया कंटिन्यूस और ख़ास किस्म का फंक्शन है तो गारंटी करता है कि दो एंटी पोर्डल पॉइंट्स उस स्फीयर पर ऐसे होंगे जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू बराबर होगी तो सो so वॉट तो सो so दिस जैसे हम कहते हैं कि इसका मकसद इस तरह से आप देखें कि आप अगर प्लानट अर्थ की बात करते हैं हमारी जो दुनिया है वो एक स्फीयर है जाहिर है बिल्कुल इसमें खैर कुछ लोग कहेंगे कि नहीं जी स्र नहीं है बल्कि वो थोड़ी सी चपटी है ऊपर से और नीचे से तो थोड़ा सी ऑबलोंग किस्म की शेप है तो इसमें मैं जवाब ये होगा कि जी टोपोलॉजिकली स्पीकिंग अभी हमें पता नहीं टोपोलॉजी क्या होती है लेकिन एक फील्ड है मैथ की टोपोलॉजिकली स्पीकिंग ए परफेक्टली राउंड बॉल स्फीर इज इक्विबलन टू ए स्लाइटली इलागेटेड स्वीयर तो मतलब कहने का ये कि जो थोड़ी सी हमारी चपटी दुनिया है ये भी हम स्फीयर के तौर पर ट्रीट कर सकते हैं टोपोलॉजिकली स्पीकिंग तो यहाँ से अब मजे की बात ये निकलती है कि जी अगर आपके पास ये आपका प्लानट अर्थ है और ये स्फीयर है तो इस पर कोई अगर कंटिन्यूस फंक्शन में डिफ़ाइन करता हूँ तो इस दुनिया पे दो ऑपोजिट ऐसे पॉइंट्स होंगे एंटी पोर्टल पॉइंट्स इस दुनिया में जहाँ पे कोई वो फंक्शन जो होगा उसकी वैल्यूज़ एक सी होंगी तो वो कौन सा ऐसा इंटरेस्टिंग फंक्शन है जिससे हम थोड़ी देर के लिए जब मैं वो आपको बताऊंगा तो आप कहेंगे कि वाह ये कैसी बड़ी ज़बरदस्त सी बात होगी तो वो फंक्शन मैं आपको अभी बताता हूँ कौन सा हो सकता है अगर हम कहते हैं कि जी फंक्शन आप ले लें कंटीन्यूस uh, फंक्शन जो हम जिसकी बात कर रहे हैं लेट्स से दैट टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर वी टेक दीज टू थिंग्स एज कंटीन्यूस फंक्शन ऑन द प्लानट अर्थ तो ये बल्कि सही बात है कि वाकई ये दोनों कंटीन्यूस ही होंगे ये जो एयर प्रेशर होता है एट अ गिवन पॉइंट ऑन द प्लानट अर्थ विच इज़ आर स्फीयर इज़ ए कंटीन्यूस फंक्शन ऑन द स्फियर और कंटिन्यूस फंक्शन ऑन द स्फर से क्या मुराद है ऐसे मुराद ये होती है कि ये जो स्फीयर से लेके वापस आप मैप कर रहे हैं इनटू द स्फीयर ये वही बातें हैं कि जो मैंने कहा था कि डिटेल में नहीं जाएंगे लेकिन ये है कि कंटीन्यूस फंक्शन हमारा एयर प्रेशर हो गया और टेम्परेचर हो गया तो यहाँ से हम ये खस कर सकते हैं इस थ्योरम से जो मैंने अभी बोला और कुछ लेक्चर्स पहले भी कहा था के एट एनी गिवन मोमेंट इन टाइम अब जाहिर फंक्शन है तो इट मस्ट बी अ फंक्शन ऑफ सम इंडिपेंडेंट वेरिएबल वी विल टेक देयर इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू बी टाइम सो एट एनी गिवन मोमेंट इन टाइम ऑन द प्लानट अर्थ देयर एग्जिस्ट टू ऑपोजिट पॉइंट्स एंटी पोर्टल पॉइंट्स वेयर एयर टेम्परेचर एम सॉरी टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर आर द सेम तो थोड़ा सा अगर इस पर गौर करें के किसी भी एक वक्त पे आप अगर सोचें कि अभी हम बात कर रहे हैं तो कोई दो ऐसे पॉइंट्स हैं ऑपोजिट ऑन दिस प्लानट अर्थ जहाँ पे टेम्परेचर और एयर प्रेशर बराबर है अच्छा जी तो ये तो एक इन इट्स बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो हमने कही कि एक एनी गिवन मोमेंट पे टाइम में दुनिया में दो ऐसे जगह हैं जगहें हैं ऑपोजिट टू इच अदर जहाँ पे टेम्परेचर और एयर प्रेशर बराबर का होगा तो इसमें ठीक है ये मैंने पहली बार जब ये बात सुनी तो काफ़ी मुझे वो हुआ कि वाकई मैथमेटिक्स ये गारंटी कर रही है कि दिस हैज़ टू बी द केस यानी कोई बहुत पहले शायद पूछता कि भाई क्या ऐसा हो सकता है कि एक एंड एक किसी एक वक्त में के वक्त के एक लम्हे में दुनिया में दो ऐसी जगह हो ऑपोजिट टू चुदर जहाँ पे कोई चीज़ बराबर की हो तो ये थ्योरम आपको प्रोवाइड कर रहा है कि हाँ वाकई ऐसा होता है तो आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कंक्लूजन लेकिन वॉट्स मोर इंटरेस्टिंग इज इफ वी एक्चुअली गेट अ लिटिल बिट क्रिएटिव और इस चीज़ को थोड़ा सा कहते हैं कि जी लेट्स लेट आर इमेजिनेशन रन वाइल्ड फॉर अ सेकेंड और ऐसा सोचते हैं कि जी आपकी जो यूनिवर्स है जिसकी हम uh, आजकल दुनिया में पूरी खास तौर पे रिसर्च हो रही है कि यूनिवर्स की शेप क्या है तो अगर मैं फ़ॉर अ सेकेंड आपसे कहता हूँ कि जी मिसाल के तौर पर सपोज के जो दुनिया की जो यूनिवर्स की वो है शेप वो एक्सफियर जैसी है यूनिवर्स इज अफियर ठीक है जी इस पर अगर मैं किसी तरह से कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइन करना चाहता हूं और मैं कहता हूँ वह जो कंटिन्यूस फंक्शन में डिफाइन करना चाहता हूँ वह है अ फंक्शन दैट डिफाइन द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ इन एट वन पर्टिकुलर पॉइंट इन द यूनिवर्स तो इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी तरह से गिविन के मैं सपोज कर रहा हूँ कि कायनत की शेप एक गोल दायरे की तरह की है थर्ड थ्री डनल बॉल जैसे बीच बॉल होती है या फुटबॉल होती है तो उस पर मैं कहता हूँ एक फंक्शन मैंने डिफाइन कर दिया जो कि कंटिन्यूस भी है और वो रिप्रेजेंट करता है द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ एट सम पॉइंट ठीक है जी इन द यूनिवर्स तो क्या ऐसा नहीं कह सकते कि ये फंक्शन कंटिन्यूस भी है इट्स डिफाइंड ऑन दी स्फेरिकल यूनिवर्स तो गारंटीड होना चाहिए बाय दिस ट्रिपोलॉजिकल थ्योरम दैट देर इज एन एंटी पोर्टल एग्जैक्ट अपोजिट पॉइंट टू दिस पॉइंट वेयर लाइफ एग्जिस्ट वेयर लाइफ एग्जिस्ट एज़ वेल तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बात है अगर इसको थोड़ा सा गौर करें कोई इस किसी ने अभी तक इस तरह की कोई बात प्रूव नहीं किए कि कोई ऐसा नहीं कह सका है कि जी वाकई कायनात स्फेयरिकल है या ये कि जी लाइफ फॉर्म लाइफ की एग्जिस्टेंस को हम एक कंटिन्यूस फंक्शन के तौर पर डिफाइन कर सकते हैं आ, आपकी स्फेरिकल यूनिवर्स पर लेकिन अगर कोई ऐसा कर दे तो हमें तो ये जो आजकल पूरी अमेरिका में ख़ासतौर पे एक प्रोजेक्ट चल रहा है सेटी प्रोजेक्ट सर्च फॉर एक्स्ट्रा ट्रेस्ट्रियल इंटेलिजेंस तो उसकी तो कोई ज़रूरत नहीं रहेगी क्योंकि आप मैथमेटिकली प्रूफ कर देंगे कि जी बिल्कुल एग्जिस्ट करती है एक और जगह पर लाइफ यानी अगर मैं कहता हूँ मेरा एक पॉइंट प्लानट अर्थ है जहाँ पर हमें पता है कि हम लोग हैं लाइफ फॉर्म्स हैं तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट एंटी पोर्टल पॉइंट एक ऐसा एग्जिस्ट करता है जहाँ पे भी लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं कैसी हैं कौन है क्या है इरेलीवेंट लेकिन ये कि गारंटीड है कि वो एग्जिस्ट करती हैं तो समथिंग टू थिंक अबाउट आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि अगर इस तरह से आप कोई इस तरह शो कर दें तो दैट विल बी एन इमेंस थिंग टू शो ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा कि यू कैन शो इट मे बी पीपल हैव ट्राइड इट इट्स नॉट डूएबल हु नोज बट द पॉइंट इज दैट दिस इज द काइंड ऑफ थिंकिंग दैट इज रिक्वायर्ड टू बी ए गुड मैथमेटिशियन ठीक है जी तो ये थोड़ी सी डाइवर्जन थी डायग्रेशन मैंने की थोड़ी सी क्योंकि मैं समझ रहा था कि चूंकि लेक्चर्स तो होते ही टेक्निकल हैं अब ये वाला भी होगा लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट बातें भी करनी चाहिए कभी कभी तो ये थोड़ी सी थी मैथमेटिक्स का होपफुली आपको थोड़ा सा और ज़ायका मिला होगा कि जी आगे चल के वॉट इज़ देयर टू लुक फॉरवर्ड टू वेन यू डू डिफरेंट हायर लेवल मैथमेटिक्स अच्छा जी तो ये तो हो गया डिग्रेशन की बात थोड़ी सी फिलोसॉफिकल बातें अब हम ऐसा करते हैं कि शुरू करते हैं अपना लेक्चर आज का तो इसमें क्या कुछ बातें करनी है वो अभी हमने देखी थोड़ी देर पहले कि टॉपिक था जी सरफेस एरिया के बारे में बात करनी थी व्हेन यू लुक एट सॉलिड्स विच आर सॉलिड्स ऑफ रेवोल्यूशन सॉलिड्स ऑफ रेवोल्यूशन क्या होते हैं ये वही सॉलिड्स हैं जो आप टू डिमेंशनल फिगर्स को या रीजन्स को रोटेट करते हैं अराउंड अ सर्टन एक्सिस एक्स एक्सिस हो गया या हो सकता है वाई एक्सिस हो तो एक सॉलिड जनरेट होता है और सॉलिड का सरफेस एरिया मालूम करना है तो असल सवाल यह है कि जी ये सरफेस एरिया क्या चीज है तो इसके बारे में भी थोड़ा सा डिफाइन करेंगे आ, ऐसा करते हैं ये जो सरफेस एरिया प्रॉब्लम है जिसको मैंने अभी थोड़ा सा रफली कहा इसको लिख लेते हैं सो वी कैन एक्चुअली सी वट वी ट्राइंग टू डू तो आए इसको देखते हैं सर्फेस एरिया प्रॉब्लम जनाब आपके सामने है लेट एफ बी ए स्मूद नॉन नेगेटिव फंक्शन on the interval closed interval a b find the area of the surface generated by revolving the portion of the curve y equals f of x between x equals a and x equals b about the x axis तो जनाब ये है हमारी सरफेस एरिया प्रॉब्लम तो सरफेस एरिया की क्या डेफिनेशन है वो तो अभी हमने बात नहीं की लेकिन जो प्रॉब्लम है एट हैंड जिसके बारे में हम बात करेंगे अभी वो क्या है वो हमने देख ली कि ये है कि अगर आपके पास एक कंटीन्यूस फंक्शन है ऑन अ क्लोज इंटरवल वही सारी बातें जो पहले हम कर चुके हैं थोड़ी सी वेरिएशन आ जाती है पहले हम ये देख रहे थे कि जी कंटिन्यूस फंक्शन तो हर जगह ही आता है और हमने पहले सॉलिड्स ऐसे ही बनाए थे रिवॉल्व करके उनका हमने वॉल्यूम मालूम किया था कि उनके अंदर जो जो सॉलिड बनाएं उसके अंदर जो वो है कैपेसिटी इमेजिन करें कि उसके अगर वो सॉलिड है उसके अंदर अगर आप पानी भर दें तो हाउ मच वाटर कैन दैट सॉलिड होल्ड इज वॉट वी वर टॉकिंग अबाउट वेन वी टॉक अबाउट फाइंडिंग वॉल्यूम ऑफ दैट सॉलिड अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जी आपके पास वो सॉलिड तो आ गया रेवोल्यूशन uh, करके अपने कंटिन्यूस फंक्शन की uh, तो उस सॉलिड का सर्फिस एरिया क्या है सो वॉट इज एग्जैक्टली इज सर्फेस एरिया सरफ़ेस एरिया बेसिकली इमेजिन कर लें कि पहले एक दफ़ा आपको याद होगा मैंने कहा था कि जो टू डिमेंशनल फिगर्स होते हैं जो बिल्कुल फ्लैट होते हैं जैसे एक मिसाल के तौर पर अगर स्क्वेयर है तो स्क्वेयर के दरमियान जो जगह होती है बीच में यानी आप अगर लाइन से एक स्क्वेयर बनाएं लाइनों से पेंसिल से तो बीच में उसकी एक जगह बनेगी ठीक है कन्फाइंड बाय द स्क्र उस जगह का उस रीजन का मैं एरिया कैसे मालूम करूँगा तो उसका सिंपल सा फार्मूला है कि आप उसकी स्क्वेयर की वथ्थ मल्टीप्लाइड बाई लेंथ करें यू गेट द एरिया ऑफ द स्क्र या एरिया कन्फाइंड बाय द स्क्वेयर तो फिर मैंने कहा था कि इसको अगर आप स्क्येर को एक्सटेंड करें थर्ड डायमेंशन में तो वो जो रीजन था वो भी थर्ड डायमेंशन में पहुँच जाता है तो आपके पास एक वॉल्यूम का क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ डू यू फाइंड दिस थ्री डायमेंशनल एरिया जिसे हम कहते हैं विच वी कॉल वॉलीम हाउ ड यू फाइंड दैट उसकी सिंपल सी टेक्नीक है कि अगर क्यूब बन जाए स्क्वेयेर की थर्ड डायमेंशन जो होती है वो एक्सटेंशन जो होती है वो क्यूब होता है तो उसका लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट करें आपके पास उसका वॉल्यूम आ जाता है लेकिन जो नॉन जोमेट्रिकल वो थी शेप्स पिछले लेक्चर्स में हमने देखी उनका हमने डिवेलप कर लिया था तरीका क्या है अब सवाल ये है कि जब ये एरिया के साथ साथ हमने जब देखा कि एरिया एक्सटेंड करके वॉल्यूम बन जाता है तो इस वॉलीम के साथ साथ एक नया कॉन्सेप्ट भी अकर कर रहा है और वो है सर्फेस एरिया का तो ये सर्फेस एरिया क्या चीज़ होती है ये रफली स्पीकिंग आप कह लें कि अगर हम वो एनालॉजी बनाएँ कि टू डायमेंशन से थर्ड में आप आएँ तो वॉट इज़ द एनालॉजी बिटवीन सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड ऑब्जेक्ट एंड वॉट इज़ द एनालॉजी ऑफ सर्फेस एरिया इन टू डायमेंशनस तो आई वुड से कि जी जो आपका सर्फस एरिया होता है थ्री डायमेंशन में कॉरस्पॉन्ड्स टू द पैरीमीटर या पेरीमीटर ऑफ ए टू डमेंशनल फिगर या ऑब्जेक्ट यानी वो स्क्वेयर हमने जो बनाया था उसका एरिया हमने मालूम कर लिया सिंपल फार्मूले से इस स्क्र का हम पेरीमीटर भी मालूम कर सकते हैं टू टाइम्स द लेंथ प्लस टू टाइम्स द वथ हमें पैरीमीटर मिल जाता है इसको अगर आप थर्ड डायमेंशन में ले जाएं सॉलिड uh, इसको स्क्वायर को तो आप नोट कर रहे हैं कि जो लाइनें थी रिप्रेजेंट कर रही थी पैरीमीटर वो अब एक तरह का सर्फिस एरिया रिप्रेजेंट कर रही हैं क्योंकि स्क्वेयर के स्पेस बने हुए सर्फिस है उसके ऊपर तो रफली स्पीकिंग मैं यही कहूँगा कि पैरीमीटर इन टू डायमेंशन कॉरस्पॉन्स टू सर्फिस एरिया इन द थर्ड डायमेंशन तो अब सरफेस एरिया की हमने बात कर ली डेफिनेशन दे दी कि क्या होता है हमें अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी तो हमें यही करना है कि अगर एक सॉलिड है मिसाल के तौर पे ये रखा हुआ है एक सॉलिड मेरे हाल से ये एग्जांपल काफ़ी अच्छी है पहले देनी चाहिए थी मुझे हे इज़ अ सॉलिड सपोज दैट वी गॉड दिस बाय रिवॉल्विंग इट अराउंड एक्सेस तो इसके अंदर जो जगह है जिसके अंदर मैंने हार्ट डाला अभी दिस रिप्रजेंट्स द वॉली ऑफ कोर्स वी इट Uh, ये जो एरिया है जिसके आसपास मैं अभी हाथ फेर रहा हूँ अपना ये एरिया जो है सारा दिस इज़ वॉट वी कॉल सर्फिस एरिया और वो जो मैं जिसको मैंने कहा कि और करता है टू डिमेंशन में टू पैरामीटर तो ये सर्फिस एरिया जो है इसको हम कैसे मालूम करेंगे ये सवाल है तो इसको फिर एड्रेस करते हैं इसके अंदर वही बात है कि कैलकुलस की बात हो रही है वी आर टॉकिंग अबाउट कैलकुलस देर मस्ट बी सम काइंड ऑफ कैलकुलेशन इन्वॉल्व कैलकुलेशन किस टाइप की होंगी

तो ये तो एक रफ सी आइडिया था कि जी क्या होता है सर्फिस एरिया होता यही है जिसकी मैंने जैसे आपको एग्जाम्पल दी अब हम जब कैलकुलेशन करेंगे इसको मालूम करने की तो एक तरह की इसमें से डेफिनेशन भी एक मोर टेक्निकल डेफिनेशन डिराइव कर लेंगे सर्फस एरिया की तो वो मैथमेटिकल डेफिनेशन हो जाएगी और एक्चुअली दैट देट बी वुड बी दी आइडियल डेफिनेशन फॉर सर्फिस एरिया क्योंकि इस डेफिनेशन से आप डिफाइन uh, तो हो ही गया सर्फिस एरिया साथ साथ कैलकुलेशन भी करेंगे तो प्रोसीजर वही है कि आपके पास मैंने जैसे प्रॉब्लम अभी हमने देखी लिखी हुई कि एक कंटिन्यूस फंक्शन है एफ़ जो कि एक क्लोज इंटरवल पर डिफ़ाइंड है ए से लेके कर बी तक इसको आपने जनाब रिवॉल्व uh, करना है मे बी अराउंड द एक्स एक्सिस मे बी अराउंड द वाई एक्सिस यूजली एक्स एक्सिस हम भी अराउंड ही करेंगे रिवॉल्व और उससे जो रिजल्टिंग सॉलिड है उसकी आपको uh, मालूम करना है सर्फिस एरिया तो आए शुरू करते हैं सी कैलकेशन इसमें ये करते हैं कि जैसे पहले किया था कि आपका ये जो कर्व है आपके सामने इसकी एक तस्वीर बना लेते हैं ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं ये जो पिक्चर है इस पर देखें कि ये जो पिक्चर है बेसिकली दो तस्वीरें हैं फर्स्ट वन इज बेसिकली गिविंग यू दी सर्फेस एरिया प्रॉब्लम दैट वी जस्ट टॉक्ट अबाउट तो ये आपका क्लोज इंटरवल है और एक कंटिन्यूस ग्राफ है फंक्शन uh, का एफ ऑफ एक्स का इसको आपने घुमाना है एक्स एक्सिस के आसपास और उससे देखें कि जब आप घुमाएंगे तो ये एक सॉलिड क्रिएट होता है एस इसका नाम है तो दैट्स द सॉलिड ऑफ विच वी वांट टू फाइंड द सरफेस एरिया तो ये सॉलिड बन गया तो वही बात है कि रेवोल्यूशन इन्वॉल्व है इसमें तो पहले की तरह प्रोसीड करते हैं आपका जो इंटरवल है ए से लेके बी तक इसको ब्रेकअप कर लेते हैं इनटू सब इंटरवल्स तो वो सब इंटरवल्स क्या होंगे सब इंटरवल्स बेसिकली होंगे जनाब जैसे पहले किया था कि एक्स ए से लेके बी तक आप उसके बीच में एक डिवीज़न सब डिवीज़न कर लें और हर सब डिवीजन पे आप पॉइंट को नाम दे दें पहला वाला हो गया मिसाल के तौर पे एक्स वन दूसरा हो गया एक्स टू ऑल द वे टू एक्स एन माइनस वन एंड द पॉइंट बी विल बी पॉइंट एक्स सब एन आपके पास सब आ गई इंटरवल ए बी की अब इस सब में हर जो आपका सब इंटरवल बनता है उसको आप जाहिर है हमने एग्जैक्ट वथ्स तो नहीं दिए दे भी सकते हैं लेकिन हम ज़्यादा जनरल सेटिंग में बात कर रहे हैं तो हर इंटरवल की कोई विड्थ होगी तो x1 से लेके x2 तक जो है या a से लेके x1 तक जो है इसको हम कहते हैं डेल्टा x1 वन इसकी विड्थ को एक, x1 से लेके x2 तक जो है उसको हम कह लेते हैं जिसकी इसकी विड्थ है या चौड़ाई जो है इस इंटरवल की वो है डेल्टा x2 एंड सो फोर्थ तो ये आपके पास आ, इनकी विट्स आ गई अब इनके साथ हमने क्या करना है आ, बेसिकली वही बात है कि ये जो ये जो विट्स आपने सब डिविजन्स की थी आप इसमें इंटरवल ए बी की तो इनमें जो पॉइंट्स लगाए थे एक्स वन से लेके कर एक्स एन माइनस वन वगैरह इनके कॉरसपॉन्डिंग अब हम ऐसा करते हैं लाइनें ड्रा करते हैं जो पहले भी हमने कई दफ़ा की है तो अगर लाइन्स हम ड्रा करते हैं एक्स वन से कॉरस्पॉन्ड करती हुई जो ऊपर जाके टच करे ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स को तो यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा आपके पास एफ ऑफ एक्स वन इसी तरह से आप आगे चलेंगे तो आपके पास पॉइंट आ जाएगा एफ ऑफ एक्स टू कॉरस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट एक्स टू ऑन द एक्स एक्सेस एंड सो फोर्थ ये पिक्चर आपके सामने वी कैन सी दैट द ओरिजिनल ग्राफ दैट वी हैड हैज नाउ बीन एक्चुअली ब्रोकन इन लाइन सेगमेंट्स बेसिकली कनेक्टेड uh, बाय by पॉइंट्स एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू एट्सट्रा एट्ट्रा इसी के साथ साथ ये जो uh, हमने देखी कि तस्वीर बनी है uh, जिसमें हमारा जो ओरिजिनल ग्राफ था एफ ऑफ एक्स का उसको अब हमने ऐसा किया कि उन पॉइंट्स जो हमारे बने थे उनको अब हमने कनेक्ट जो किए स्ट्रेट लाइन से तो औरिजनल ग्राफ का जो ग्राफ uh, है आपका उसकी एक तरह की पॉलीगोनल uh, रिप्रजेंटेशन uh, आ गई है रफली स्पीकिंग यानी कोई टेक्निकल टर्म तो नहीं है लेकिन कहने का मकसद ये है कि जैसे हमने पहले पिछले लेक्चर में मालूम की थी लेंथ एक लाइन् की आर्क लेंथ मालूम की थी ग्राफ ऑफ अ फंक्शन की उसमें यही प्रोसेस इन्वॉल्व था कि आपने अपने ग्राफ को ब्रेकअप कर लिया था इनटू स्मॉलर पीसेस विच वर स्ट्रेट ज्वाइंट बाय स्ट्रेट लाइंस तो वही चीज़ यहाँ पे भी हुई है कि अब आपके वो जो पॉइंट्स आए थे एफ एफ एक्स वन एफ एफ एक्स टू वगैरह वगैरह उनको इस्तेमाल करते हुए ओरिजिनल ग्राफ को आपने ब्रेक कर लिया है इंटू ए पॉलीगोनल पाथ बेसिकली और ये वही बात है कि जितने छोटे हम इनको लाइन सेगमेंट्स को करेंगे तो हम बेहतर अप्रॉक्सीमेट कर सकेंगे आर्क लेंथ ऑफ दिस ग्राफ लेकिन चूंकि आर्क लेंथ की बात नहीं हो रही है बल्कि सरफेस एरिया की हो रही है तो आइए देखते हैं कि अगर हमने ये जो ग्राफ है हमने इसको अगर ब्रेक कर लिया इंटू ए पॉलीगोनल पाथ तो इसको अगर हम रिवॉल्व करेंगे तो जो पिछला हमारा जो सॉलिड बना था औरिजिनल ग्राफ को रिवॉल्व करने से तो उससे मिलता जुलता कोई सॉलिड बनता है तो वो कैसा लगता है देख लेते हैं ये आपके सामने सॉलिड है जनाब इसमें जो मैंने ब्रेकअप किया है ग्राफ को इन टू ए पॉलीगोनल रिप्रजेंटेशन कह लेते हैं उसको अगर मैं रोटेट करता हूँ अराउंड द एक्स एक्सिस देन आई गेट ए सॉलिड दैट लुक्स लाइक दिस और ये सॉलिड बेसिकली एक तरह से देखें तो ये एक प्याला सा है जो कि अपनी साइड पे लेटा हुआ है तो प्याले से मुराद ये कि जो पुराने ज़माने में आजकल भी ग्लासेस कुछ होते हैं लेकिन वो हमने जब चंगेज़ ख़ान के बारे में कोई मूवी देखते हैं कोई हिस्टोरिकल तो उसमें यही होता है कि जी जो अभी तस्वीर देखी आपने इससे मिलता जुलता प्याला चंगेज़ ख़ान साहब जो होते हैं उठा के और ऐसे करके उससे पीते हैं तो ये उसी टाइप की शेप बनी है यहाँ पर अब वो बात यही है कि जो प्याला नुमा या ग्लास नुमा जो शेप बनी है इसको इस्तेमाल करते हुए सम आई नीड टू फाइंड दी सर्फेस एरिया ऑफ दी औरिजिनल ग्राफ या औरिजनल सॉलिड तो अब हम पहले जिस तरह बात कर चुके हैं कि हम करते थे अपने ग्राफ को सब डिवाइड किया और रिजल्टिंग सॉलिड को भी सब डिवाइड कर लेते थे आम तौर तो पर होता है कि जी अब जैसे सर्फिस एरिया की बात हो रही है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो दमूला फॉर द सर्फिस एरिया ऑफ समर्ट यानी अब ये है कि मेरे पास जो ये प्याला नुमा शेप आई है इससे फ़ायदा क्या हुआ है इससे फ़ायदा ये हुआ है कि इसका जो जो पीसिस जिससे ये बना है अगर आपने देखी बल्कि तस्वीर आपके सामने थी फिर से देख लेते हैं इस तस्वीर में देखें कि ये जो तस्वीर है इसके जो हिस्से हैं इस ग्लास के या इस प्याले के दीज आर बेसिकली वॉट वी कॉल फ्रस्टम्स ऑफ कोन्स ये फ्रस्टम बेसिकली होता है कि आप अगर कोन लीजिए और उसके ऊपर से उसका सर काट दें नोकीला हिस्सा तो एक जो रिजल्टिंग सॉलिड होता है वी कॉल दैट ऑफ अ कोन और यहाँ पे एक और तस्वीर देख लें दिस इज बेसिकली वॉट अ फ्रस्टम इज फ्रस्ट फ्रस्टम में दो चीज़ें होती हैं एक इसकी लेंथ होती है विच इज़ लेंथ ऑफ साइड रफली एंड टू रेडियस या टू रेडिया आर वन एंड आर टू और इसको हम इस्तेमाल हम करते हुए सरफेस एरिया मालूम करेंगे तो जनाब ये जो फ्रस्टम्स हमारे पास आए हैं इस सॉलिड में इनका अगर मैं सरफेस एरिया इंडिविजुअली मालूम कर लूँ और फिर ऐड कर दूं तो मेरे पास इस पूरे सी, जो नया सॉलिड आया था जो एक ग्लास नुमा है इसका मेरे पास सरफेस एरिया आ जाएगा सिंपल सी बात है इंडिविजुअल पीसेस का सरफेस एरिया मालूम करें एंड ऐड देम टुगेदर टू गेट दी सरफेस एरिया ऑफ द ग्लास टाइप ऑब्जेक्ट लेकिन बात यह है कि हमें ओरिजिनल ग्राफ की मालूम करनी है ओरिजिनल सॉलिड जो था एस उसका सर्फेस एरिया मालूम करना है तो वो बड़ा आसान है हम ये वही करेंगे जो पहले करते हैं कि ये जो सब डिविजन्स थी ये जो हमारे पास फ्रस्टम्स बने कोन्स के इन द न्यू सॉलिड इनको अगर हम इंक्रीज कर दें इतने ज़्यादा साइज में कर उसमें कर दें अमाउंट में कि हम उसका जिनकी जो इनकी लेंथ है थिकनेस है वो बिल्कुल बारीक होती जाए तो वी कैन सी दैट द ग्लास टाइप ऑब्जेक्ट एक्चुअली स्टार्ट लुकिंग लाइक द ओरिजिनल सॉलिड एस एंड दिस वी डू बाय टेकिंग द लिमिट एज द इंटरवल सब डिविजन्स ऑन द इंटरबुल ए बी गो टू इंफिनिटी तो उससे ये होता है कि आपके जो इंटरवल्स बनते हैं उनकी लेंथ उनकी विथ जो होती है वो कम हो जाती है एंड यू टेक द लिमिट यू गेट द डेफिनेट इंटेग्रल एंड यू गेट सरफेस एरिया तो आइए सरफेस एरिया का फार्मूला देखते हैं पहले इस फ्रस्टम का ताकि उसके बारे में फिर हम देखें एनालाइज़ करके क्या कर सकते हैं तो करना ये है कि ये जो सॉलिड है जो ग्लास टाइप सॉलिड बनाएं इसका एक केथ जो हिस्सा है वो एनालाइज करते हैं उसकी शेप चूंकि एक फ्रस्टम ऑफ अ कोन की होगी तो इस पर हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं आ, इसका सरफेस एरिया मालूम करने का फार्मूला है जनाब एस इक्वल्स पाई टाइम्स आर वन प्लस आर टू टाइम्स एल यानी बेसिकली आप उसके दोनों रेडियाए जो हैं उनको ऐड करें मल्टीप्लाई दैट बाय द लेंथ ऑफ द फ्रस्टम टाइम्स पाए एंड यू गेट द सर्फिस एरिया ऑफ दैट केत फ्रस्टम तो अब इसको, इसको इस्तेमाल करते हुए हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं तो आइए मजीदी बात डिटेल्स में देखते हैं ऐसा करते हैं जनाब केत जो एलिमेंट था हमारा केत फ्रस्टम जो होगा इस आ, ग्लास टाइप सॉलिड का उसको एनालाइज करते हैं तो उसमें यह है कि फार्मूला हमारे पास है पाए टाइम्स आर वन टाइम्स एल विल गिव दर्फिस एरिया ऑफ ए फ्रस्टम इन दिस केस ऑल वी हैव टू डू वी हैवे जनरल फार्मूला फॉर एस सर्फिस एरिया हाउ डू वी फाइंड इट इन दिस केस ये जो हमारा ग्लास टाइप शेप आई है इसका जो केत हिस्सा लिया है वो भी एक फ्रस्टम है कौन का इसमें सवाल ये है कि आर वन आर टू और एल जो है वो क्या है तो इसमें सिंपल सी बात है कि ये जो आर वन होगा और आर टू जो होंगे ये हाइट होगी आपके आ, जो कॉरस्पॉन्डिंग एक्स वैल्यूज़ हैं उनसे जो कॉरस्पॉन्डिंग वाई वैल्यूज़ हैं दोज वुड बी योर रेडियस या रेडिया ऑफ दिस केथ फ्रस्टम एंड द लेंथ एल वुड बी दी आर्क लेंथ दैट यू कैन मेजर फॉर दिस फ्रस्टम तो तस्वीर बना के फिर से देख लेते हैं इस तस्वीर में देख लें सिंपल सी बात है कि जो आपकी वैल्यूज़ हैं एक्स uh, वन मिसाल के केथ इंटरवल पर मैंने लिया है तो ये केथ इंटरवल आपके सामने है इसमें जो आप एक्स के माइनस वन पर हाइट होगी वो छोटा रेडियस हो जाएगा एफ ऑफ एक्स के माइनस वन एक्स के पे जो हाइट है वो हो जाएगा बड़ा वाला रेडियस एफ ऑफ एक्स के एफ एक्स के और जो लेंथ है एल वो हम मालूम कर लेंगे बाय दी फार्मूला ऑफ द आर्क लेंथ तो आपको याद है कि फार्मूला क्या होता है आर्क लेंथ का पिछले लेक्चर में हमने इसकी बात की थी तो इसको लिख लेते हैं सो वी कैन रिकॉल इट ये जनाब फार्मूला है बल्कि ऐसा करते हैं कि मैं सरफ़ेस एरिया ऑफ द केथ फ्रस्टम लिख देता हूं आपके सामने तो इसका फॉर्मूला जो बनेगा वो है जनाब पाए टाइम्स एफ ऑफ एक्स के माइनस वन प्लस एफ ऑफ एक्स के टाइम्स द स्क्वेयर रूट ऑफ वन प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स के स्टार क्वांटिटी स्क्वेड डेल्टा एक्स के ये जनाब केथ फ्रस्टम का सरफेस एरिया होगा तो इसमें सिंपल सी बात है कि पाए तो फार्मूले से आ गया सरफेस एरिया का जनरल फार्मूला जो हमने देखा था वहाँ से एफ़ ऑफ एक्स के जो है वो आपका जनाब हो गया एफ ऑफ एक्स के माइनस वन वो छोटा रेडियस हो गया आर वन जिसे कह लें एफ ऑफ एक्स के जो है वो बड़ा रेडियस हो गया आर टू और लेंथ जो है एल वो हमने पिछले लेक्चर में जो फार्मूला देखा था उसके तहत हमने उसको लिखा है एज़ द स्क्र रूट ऑफ वन प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स के स्टार स्क्वेड डेल्टा एक्स के तो ये आ, हमारे पास आ गया फॉर्मूला फॉर सरफेस एरिया ऑफ द केथ फ्रस्टम इन दिस ग्लास टाइप ऑब्जेक्ट अब हम क्या कर सकते हैं अब थोड़ी सी एक दो ट्रिक्स हैं एल जिन्हें हम करते हैं यहां पे क्या है लेट्स राइट देम डाउन ये देखिए कि ये जो अर्थमेटिक एवरेज एक चीज होती है वो एक ऐसी चीज होती है जो Uh, दो नंबर्स के दरमियान मिलाया करती है यानी अगर कोई दो नंबर्स हैं आपके पास तो उनके एवरेज जो होगी इट बी दी मिड पॉइंट ऑफ दीज टू नंबर्स सो वी कैन से बेसिकली दैट द क्वान्टिटी वन हाफ टाइम्स एफ ऑफ एक्स के माइनस वन प्लस एफ ऑफ एक्स के इज़ बिटवीन एफ ऑफ एक्स के माइनस वन एंड एफ ऑफ एक्स के सो सिंस एफ इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन ऑन द इंटरवल एक्स के माइनस वन एंड एक्स के जाहिर सी बात है पूरे इंटरवल ए बी पे अगर कंटिन्यूअस था तो उसके एक सब इंटरवल पे भी है तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम एक था हमने जिसकी बात की थी उसके तहत हम ये कह सकते हैं कि देर एग्जिस्ट ए पॉइंट एक्स के डबल स्टार इन दिस इंटरवल सच दैट वन हाफ टाइम्स एफ ऑफ एक्स के माइनस वन प्लस एफ ऑफ एक्स के इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के डबल स्टार तो ये बेसिकली इंटरमीडिएट वैली थ्योरम आपको रिकॉल करना पड़ेगा व्हाट डज़ इट से एंड उसकी जो कंडीशंस हैं वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही हैं लिहाजा आई कैन डू व्हाट आई जस्ट डिड और आप पूछ रहे होंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इट वर्कस आउट हेल्प्स अस डू द कैलकुलेशन दैट वी ट्राइंग टू गेट टू तो हाँ इसको कम्प्लीट कर लेते हैं कि इससे रिजल्ट क्या निकला है जो अभी हमने कैलकुलेशन की इससे रिजल्ट जनाब ये निकला कि एस के जो था जो अभी थोड़ी देर पहले हमने एक और फॉर्म में लिखा था उसको अब मैं लिख सकता हूँ एज़ 2 पाई एफ ऑफ एक्स के स्टार डबल स्टार मल्टीप्लाइड बाय दी फॉर्मूला फॉर दी आर्क लेंथ स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एफ प्राइम एक्स के स्टार स्क्ड टाइम्स डेल्टा एक्स के एंड नाउ यहाँ पे बेसिकली मैंने जो पाई की जगह था पाई टाइम्स एफ ऑफ एक्स के माइनस वन प्लस एफ ऑफ एक्स के की बजाय उसकी कॉरस्पॉन्डिंग आइडेंटिटी लिख दिए जो अभी एनालिसिस से डराइव की थी इंटरमीडियट वैली थीरम को इस्तेमाल करके अब मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो एरिया है Uh, ये तो मेरे पास आ गया सर्फिस एरिया ऑफ द केथ फ्रस्टम ऑफ दिस ग्लास टाइप ऑब्जेक्ट अब इसको मैं सारे फ्रस्टम uh, जो हैं इसके अंदर उनका एरिया मालूम कर सकता हूँ सर्फिस एरिया बाय एडिंग दैम टूगैदर दे ऑल हैव द सेम फार्मूला सो दे ऑल कम आउट ऑफ द सेम फार्मूला सो बेसिकली आई कैन राइट समेशन के इक्वल्स वन टू एन ऑफ द सर्फिस एरिया फार्मूला विच इज इक्वल टू द फार्मूला दैट यू सी ऑन द स्क्रीन राइट नाउ सेमेशन k इक्वल्स वन टू एन और टू पाए एफ ऑफ एक्स केस डबल स्टार टाइम्स द फॉर्मूला फॉर दी आर्ट लेंथ ठीक है जी काफ़ी लंबी चौड़ी हो गई कैलकुलेशन लेकिन अभी तक हम अपनी आ, गोल को अचीव नहीं किए हमारे पास सेमेशन आ गया अब इसको एग्जैक्टली exactly, जो ओरिजिनल सॉलिड था एस जिसके अंदर ये पॉलीगोनल या चॉपटअप पीसीज नहीं थे जो हमने बनाए थे ग्लास टाइप ऑब्जेक्ट के इससे अब हम कैसे उसका सरफेस एरिया मालूम करते हैं मैंने पहले भी कहा था कि वी टेक द लिमिट एज ऑल दी द मैक्सिमम विथ ऑफ योर सब डिविजन्स गो टू जीरो एंड यू विल गेट योर डेफिनेट इंटेग्रल एंड द फार्मूला विल वर्क आउट नाइसली तो ये लास्ट स्टेप भी कर लेते हैं इसको भी लिख लेते हैं अब तो देखिए कि जो सर्फिस एरिया होगा सॉलिड एस का यहाँ पे मैं दोनों के लिए एस इस्तेमाल कर रहा हूँ सर्फिस एरिया के लिए भी और इसके लिए इसके सॉलिड के लिए भी बट आई थिंक कॉन्टेक्ट से क्लियर है कि किसकी बात हो रही है लिहाजा सरफेस एरिया जो होगा सॉलिड का वो हो जाएगा लिमिट एज द मैक्सिमम डेल्टा एक्स के गोज़ टू ज़ीरो ऑफ़ द समेशन इक्वेजन वी जस्ट सॉ एंड वी ऑल नो वट दिस टर्न्स आउट टू बी दिस ऑटोमेटिकली टर्न्स इन टू द डेफिनेट इंटेग्रल ए टू बी ऑफ टू पाए एफ ऑफ एक्स टाइम्स द स्क्र रूट ऑफ वन प्लस f प्राइम एक्स quantity square टाइम्स dx. ये हो गई जनाब आपकी सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड का फार्मूला तो इसको हमने जाहिर एनालिसिस किया अपने फ्रस्टम्स का जो बनी थी कौनस की और उनके जो उनका इंडिविजुअल पीसेस का जो फार्मूले बने थे फॉर फाइंडिंग सरफेस एरिया वो हमने एनालिसिस किया और फिर सबको ऐड किया और फिर लिमिट लिया वो जो हम करते आए हैं अभी तक एंड वी सी दैट वी गेट द सर्फेस एरिया फार्मूला फॉर ए सॉलिड तो इसको फॉर्मली लिख लेते हैं कि वॉट वी डन टूडे वॉट हैव वी अचीव्ड लेट्स राइट दिस डाउन जनाब आपके सामने दो फार्मूले हैं सर्फेस एरिया फार्मूलज एंड आई विल जस्ट स्पीक इट क्विकली लेट एफ बी ए स्मूद नॉन नेगेटिव फंक्शन ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी देन द सर्फेस एरिया एस जनरेटेड by revolving the portion of the curve y equals f of x between x equals a and x equals b about the x axis is given by the formula s equals a to b integral 2 pi f of x times the square root of 1 plus f prime x square d x. And of course, if you change the variables and the whole situation to where you have your graph revolving around the y axis

और एट द सेम टाइम दे टेलिंग यू हाउ टू कैलकुलेट इट तो यहाँ पे थोड़ी सी डिस्टिंक्शन ये है कि ये जो जिस तरह से मैंने सर्विस एरिया डिफाइन किया था वो ये था कि आपके पास एक सॉलिड आता है रेवोलूशन के बाद और उसका आपको सर्विस एरिया मालूम करना होता है एक और तरीका सोचने का ये भी है कि जी आप जब एक टू डिमेंशनल चीज़ को घुमाते हैं अराउंड एन एक्सेस यू जनरेट ए सर्फिस एरिया विच इज़ एक्चुअली अ सॉलिड इन इट्स ओन राइट तो सेम थिंग नॉट टू मच डिफरेंस बिटवीन द टू लेकिन जस्ट फॉर टू टू स्टेट द टू पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपको बता दिया कि क्या थे तो जनाब ये है आपकी सरफेस uh, एरिया की बात चीत आज जो हमने की लेक्चर में तो बेसिकली काफ़ी ज़बरदस्त एप्लीकेशन एक और हमने देखी डेफिनेट इंटेग्रल की जिसके बारे में शुरू में मैंने थोड़ी सी बातचीत की थी कि अभी तक हम देखते हैं कि जी वॉल्यूम तक हमने मालूम कर लिया है और अब हमने सरफेस एरिया भी Uh, कहना चाहिए कि डेफिनेट इंटेग्रल के खाते में डाल दिया कि ठीक है जी यूजिंग द डेफिनेट इंटेगरल वी कैन कैलकुलेट सरफेस एरिया आल्सो तो ये uh, एक और अच्छी बात हो गई अगले कुछ लेक्चर्स में हम थोड़ी सी और देखेंगे एप्लीकेशनस टू फिज़िक्स एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटेगरल टू फिज़िक्स और वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगी लेकिन दिस टफ़ ऑल्सो वॉज वेरी इंटरेस्टिंग तो इसकी एक्सरसाइजेज़ आप कीजिएगा होमवर्क एक्सरसाइज वग़ैरह और जो हमने थोड़ी सी शुरू में बातचीत की थी टोपोलॉजिकल हवाले से आ, उसके बारे में सोचिएगा ज़रूर अपने टीचर्स से या दोस्तों वगैरह से इसके बारे में बात कीजिएगा इट्स एन इंटरेस्टिंग आइडिया फॉर डिस्कशन सेक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग तो जनाब अब हम ख़त्म करते हैं लेक्चर आज का तो ई मेल कर दीजिएगा अगर कोई प्रॉब्लम हो और फिर आपसे इन शाला नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी जब तक के लिए इजाज़त अल्लाह हाफ